ऑर्डर किया था मैंने, इसको बोलते हैं टैंक ग्रिप्स, और अराउंड 900 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्ट है। काफ़ी बेसिक है, लगा कर देखते हैं कैसा दिखता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसको यूज़ करने का। ग्रिप्स तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, लेकिन वो तो लगाने के बाद चलाने पे ही समझेगा। सो 900 रुपीज़ अमेज़ॉन, एकदम बेसिक टैंक पैड टैंक ग्रिप। थ्री एम की इसको टेप लगा के रखी है इन लोगों ने, ऐसे दो हैं। हमारे जो खाली व्हीकल है यहाँ पे इसको लगाना है, सो या तो ये ऐसे लगने वाला है या तो फिर ऐसे। थोड़ा इधर रखेंगे जानबूझ के ताकि यहाँ पे थाइस को ज़्यादा सपोर्ट मिले, ऐसे रहेगा ये। इसकी वजह से यहाँ का स्टिकरिंग चला जाएगा, बट चलता है कोई नहीं। सो लगा के देखते हैं। तो पहले 3M टेप को लगाने से पहले मेक श्योर करो कि आपका टैंक एकदम अच्छे से क्लीन है, वहाँ पे ज़्यादा डस्ट ना हो उस पर, वरना इसको चिपकने में प्रॉब्लम होगा। और फिर इसके ऊपर का ये रेड जो स्टिकर है इसको निकालना है। सो ये काफ़ी जेनरिक क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली डिज़ाइंड फॉर CBR है। इसको आप चाहो तो किसी भी बाइक पर लगा सकते हो। तो इन सबको निकालने में आराम होता है, तो भी ये निकाल लिया है, इसको अब लगाएंगे ऐसा। ऐसा दिख रहा है, वैसे सही है क्योंकि थाई का
ज़्यादा पोर्शन यहाँ इस साइड होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रिप करने के लिए चाहिए। यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, ऐसा ही लग रहा है ऐसा। राइट, और ये बीच में से तो दिखाई भी नहीं देता कि लगा हुआ है या नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा है, डिस्टेंस काफ़ी सही लग रहा है यहाँ से दोनों का देखने में। चलो फिर अच्छे इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, देखते हैं कैसा फील होता है बाद में। आई होप फ़ायदा हो जाए इससे थोड़ा, क्योंकि इसका टैंक काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रिप करने के लिए मिलता नहीं है, स्पेशली हम लोगों की हाइट ज़्यादा है। ब्रेक ऑयल भी कम हो चुका है काफ़ी, ब्रेक ऑयल भी इसमें रिफिल करना है। और क्या है, और इसकी चेन टाइट भी करनी है, चेन भी इसकी काफ़ी लूज़ हो चुकी है तो चेन का भी काम करना है। बाकी लूप तो सब किया है, और ये काफ़ी गंदा हो रहा है बारिश में चलाने की वजह से, ये देखो बारिश का नतीजा।